हाई दिस इज नेहां आई वेलकम यू ऑल टू दिस क्लास जिसमें आज हम क्लास इलेवन के चैप्टर नंबर सिक्स लर्निंग को कंटिन्यू करेंगे दिस इज द सेकंड वीडियो सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर लर्निंग जिसमें लास्ट वीडियो में हमने लर्निंग के इंट्रोडक्शन की बात की थी और लर्निंग के कुछ फीचर्स को अंडरस्टैंड किया था थ्रू यूर एनसीआर टी बुक रिसेंटली मैंने अपने कम्युनिटी टैप पर एक वोटिंग पोस्ट की थी जिसमें मैंने जानना चाह था कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो एनसीआर टी की बुक से एक्सप्लेनिशन चाहते हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो नोट्स के थ्रू स्टडी करना चाहते हैं तो बहुत सारे लोगों ने एन के बुक के एक्सप्लेनेशन को ही प्रेफरेंस दी है तो उसी चीज़ को कंसिडर करते हुए आज के इस वीडियो को मैं एन सी के एक्सप्लेनेशन से ही कंटिन्यू करने जा रही हूँ लेकिन जिन लोगों ने नोट्स की रिक्वायरमेंट को पोस्ट किया है उनके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर इस टॉपिक के नोट्स अवेलेबल रहेंगे जिसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से रिसीव कर सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो विदाउट एनी डिले हम आज का टॉपिक बिगिन करते हैं विच इज़ मोर अबाउट द क्लासिकल कंडीशनिंग ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू की जो क्लासिकल कंडीशनिंग है क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है अगर आप एन की बुक में देखें तो पेज नंबर 109 आप मेरे साथ अपनी एन की बुक ओपन करके रख सकते हैं जो चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं जो भी मैं आपको बताते चलती हूँ उसके हिसाब से आप उसको मार्क कर सकते हैं कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में डेफिनेटली पूछ सकते हैं और वहां पर मैं आपको उसका आंसर भी दे दूंगी तो क्लासिकल कंडीशनिंग के दो पार्ट हम डिवाइड करेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग हम इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे कि क्लासिकल कंडीशनिंग टर्म क्या होती है कंडीशनिंग वर्ड से बहुत सारे लोग अनफेमिलियर होंगे यहाँ पर तो ये टर्म क्या होती है और ये थ्योरी क्या है जो इवान पेवलॉव ने दी थी और काफ़ी पॉपुलर है लर्निंग की फील्ड में आप सभी जानते हैं जैसा कि तो चलिए पेज नंबर वन ज़ीरो नाइन को हम बिगिन करते हैं बुक आपके स्क्रीन पर भी शेयर रहेगी तो वहां से भी आप देख सकते हैं अदरवाइज अपनी बुक में भी आप देख सकते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले टॉपिक है पैराडाइम ऑफ लर्निंग बेसिकली इस पॉइंट के थ्रू हमें ये बताने की कोशिश की गई है कि देर आर अ लॉट ऑफ थ्योरीज बेस्ड ऑन लर्निंग लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो लर्निंग है वो एक थ्रू आउट चलने वाला प्रोसेस है और किसी भी सिनेरियो में हमें लर्निंग होती ही रहती है तो किस तरह से लर्निंग होती है और लर्निंग के डिफरेंट टाइप्स क्या हो सकते हैं वो थ्योरीज के थ्रू निकल कर आता है लर्निंग टेक्स प्लेस इन मेनी वेज देर आर सम मैथड्स आर यूज इन एक्विजिशन ऑफ सिंपल रिस्पॉन्स वाइल अदर मैथड्स आर यूज इन द एक्विजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रिस्पॉस लर्निंग सिंपलेस्ट वे में भी हो जाती है किसी चीज़ को हम देख कर बहुत ईजिली भी समझ लेते हैं और कई बार हमारे कुछ ऐसे मोटर स्किल्स भी होते हैं जिनको लर्न करने के लिए हमें बहुत टेक्निकली और बहुत बारीकी से उसको अंडरस्टैंड करना पड़ता है तो लर्निंग का जो प्रोसेस है वो कई बार बहुत सिंपल और कई बार बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है इन दिस सेक्शन यू विल लर्न अबाउट ऑल दीज मैथ द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड कंडीशनिंग जो सबसे सिंपल है दैट इज कॉल्ड कंडीशनिंग अभी मैं आपको कंडीशनिंग और समझाऊंगी टू टाइप ऑफ कंडीशनिंग हैव बिन आइडेंटिफाइड बेसिकली एक को हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग और दूसरी कहलाती है इंस्ट्रूमेंटल ऑपरेंट कंडीशनिंग इन एडिशन वी हैव ऑब्जर्वेशन लर्निंग कॉग्नेटिव लर्निंग वर्बल लर्निंग कॉन्सेप्ट लर्निंग एंड स्किल लर्निंग ये ये जितने भी आप लर्निंग के यहाँ पे टाइप देख रहे हैं ये सभी आगे के वीडियोस में आपको मिलेंगे तो उनको आप देखिएगा लेकिन फिलहाल के लिए आज हम क्लासिकल कंडीशनिंग से बिगिन कर रहे हैं जैसे कि हमने अभी बात की कि सिंपलेस्ट काइंड ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड कंडीशनिंग तो लर्निंग का जो सबसे सिम्प्लीफाइड वे होता है वो ये होता है कि अगर आपको कोई चीज़ बताई जाए या आपको कोई चीज़ दिखाई जाए आप उसको ऑब्जर्व करें उसको अंडरस्टैंड करें और उसको सीख जाएं। जब भी ऐसा कुछ होता है तो इसको हम कहते हैं कंडीशनिंग मीन्स कुछ ऐसा किया जाए जिसको आप इजली एक्वायर कर लें दैट कम्स अंडर कंडीशनिंग दिस टाइप ऑफ लर्निंग वॉज फर्स्ट इन्वेस्टिगेटेड बाई इवान पी पैवलॉव ये जो थे एक फिजिशियन थे बेसिकली और सबसे पहले ये इंटरेस्टेड थे डाइजेशन की फिजियोलॉजी पर इनका मेजर वर्क उसी से बिगिन हुआ था ड्यूरिंग हिज स्टडीज ही नोटिस दैट डॉग्स ऑन होम ही वॉज एक्सपेरिमेंट्स स्टार्टेड सिक्रिटिंग एज सुन एज दे सॉ द दी प्लेट इन विच फूड वॉज सर्वड इनिशियली जब ये अपने रिसर्च फील्ड में वर्क कर रहे थे तब इन्होंने नोटिस किया कि जो डॉग्स थे वो सेलिवेशन का प्रोसेस करने लगते थे जब भी वो कोई ऐसी खाने की चीज को देखते थे एज यू मस्ट बी अवेयर सलाइवा सेक्रेशन इज अ रिफ्लेक्सिव रिस्पॉन्स टू फूड और समथिंग इन द माउथ ऑब्वियसली हमें सबको पता है ये बात कि जो सेलिवेशन का प्रोसेस होता है वो एक रिफ्लेक्स प्रोसेस होता है हमारे बॉडी के ऑर्गन या पार्ट जो होते हैं उसमें रिफ्लेक्स मोशन में आ जाते हैं डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस इन डिटेल इन विच डॉग्स वर यूज वंस अगेन बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी है वो डॉग्स पर ऑपरेट की गई थी तो बहुत ईजिली आपके माइंड में एक पिक्चर बन जाती है जब भी हम क्लासिकल कंडीशनिंग का नाम लेते हैं तो उसी तरीके से उन्होंने डॉग्स पर एक्सपेरिमेंट करके इस थ्योरी को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश की बेसिकली ही वॉन्टेड टू नो कि जब भी किसी एनिमल

इस मीन टाइम में इन्होंने एक सर्जरी को कंडक्ट किया जिसमें एक ट्यूब इन्होंने डॉग के जॉ पे इंसर्ट किया और एक मेजरिंग ग्लास में किया ऐसा करने का इनका रीजन ये था कि ये उस सेलेवा को स्टोर करना चाहते थे मेजरिंग ग्लास में और ये देखना चाहते थे कि कितना अमाउंट ऑफ सेलिवेशन हो रहा है अब जो एक्सपेरिमेंट है वो बेस्ट समझ में आएगा आपको इस फिगर से फिगर सिक्स पॉइंट वन जो आपकी स्क्रीन पर मैं शेयर करने वाली हूँ इन द सेकंड फेज ऑफ द द एक्सपेरिमेंट डॉग वाज कैप्ट हंग्री एंड प्लेस्ड इन हार्नेस विद वन एंड ऑफ द ट्यूब एंडिंग इन द जॉ एंड द अदर एंड द ग्लास जार आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरीके से डॉग को एक बॉक्स में बंद कर दिया गया है और उस टाइम के लिए उसको भूखा भी रखा गया था अब बेल वॉज साउंडेड एंड इमीडिएटली देर आफ्टर फूड फूड क्या था उसके लिए मीट पाउडर था वो सर्वड टू द डॉग जब बेल का साउंड क्रिएट किया गया और बेल का साउंड क्रिएट करते ही डॉग के सामने मीट पाउडर सर्व कर दिया गया द डॉग वाज अलाउड टू ईट इट फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज एवरी टाइम द मीट पाउडर वाज प्रेजेंटेड इट वाज प्रेसेडेड बाय द साउंड ऑफ अ बेल जब भी डॉग को फूड दिया जाता था भूखा रखने के बाद तो उससे पहले उसके बेल बजाई जाती थी जैसे ही बेल बजती थी जो डॉग था वो फौरन से आके उस फूड को खा लेता था

और डॉग ने मीट पाउडर को आके तुरंत ही खा लिया यही एक्सैक्टली exactly एक्सपेरिमेंट में नोटिस करने वाली चीज थी दिस एसोसिएशन बिटवीन द बेल एंड फूड रिजल्टेड इन एक्विजिशन ऑफ अ न्यू रेस्पॉन्स बाय द डॉग अब ये नोटिस किया गया कि जब बेल नहीं बज रही है तब भी तो जो डॉग है वो फूड को आकर खा रहा है दिस हैज बीन टर्म एज कंडीशनिंग इसी को कंडीशनिंग कहा गया शुरू में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कोई भी चीज को जब किसी चीज के लिए जब हम किसी को प्रिपेयर कर देते हैं तो वही कंडीशनिंग कहलाती है सिंपलेस्ट थिंग इज दैट दैट यू मे हैव नोटिस ऑल डॉग व्हेन दे आर प्रेजेंटेड विद फूड जनरली भी ऐसा होता है आपने देखा होगा कि किसी डॉग के सामने फूड लेके जाते हैं तो वो सेलिवेशन का प्रोसेस करता है फूड इज दर्ज एन अनकंडीशन स्टमलेस यहाँ से बहुत अच्छे से समझेगा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ टर्म्स आपको हाईलाइटेड दिखेंगी ये मैं आपको समझाऊंगी और डिफरेंस भी बताऊंगी इसीलिए मैंने कहा था कि मैं इस पार्ट को आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ फूड क्या है एक अनकंडीशन स्ट्यूमुलस है आप अनकंडीशन क्यों लगा रहे हैं हम इसमें क्योंकि फूड में कोई कंडीशनिंग नहीं की जा रही है फूड में कंडीशनिंग की भी नहीं जा सकती है आप फूड को ट्रेन नहीं कर सकते हैं टू डू समथिंग ओके तो फूड क्या है एक अनकंडीशन स्ट्यूमुलस है एंड सेलिब्रेशन विच फॉलोज इट इज एन अनकंडीशन रिस्पॉन्स जब फूड प्रेजेंट किया जा रहा है विच इज अन्कंडीशन स्ट्यमुलस आई होप योर यूमल रिस्पॉन्स से आप क्लियर होंगे कि टू एवरी स्ट्यमल इज ऑलवेज अ रेस्पॉन्स जैसे आप मुझे स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं ओके आई कैन बी स्ट्यूमलस फॉर यू मुझे देखकर आप कुछ ना कुछ अपना परसेप्शन क्रिएट करेंगे आपको वीडियो अच्छा लगेगा समझ में आएगा डाउट्स होंगे जो भी चीजें होंगी उस पर आप अपना एक रिस्पॉन्स इन बिल्ड कर रहे हैं इवन दो आप मुझसे कह नहीं सकते हैं अभी वीडियो में सामने से लेकिन आपके माइंड में वो जनरेट हो रहा है एनीथिंग अराउंडस आई कैन इवन कॉल दिस बुक स्ट्यूमलेस राइट नाउ आप इस बुक को चलिए स्क्रीन पर आप बुक देख रहे हैं तो बुक भी आपके लिए स्ट्यूमलस है आप उसको देखकर एक रिस्पॉन्स एनीथिंग अराउंडलस एंड वट एवर बिहेवियर वी शो टू वर्ड इज कॉल्ड रिस्पॉन्स तो मैंने यहाँ पे आपको क्लियर कर दिया क्योंकि मुझे समझाना है तो मैं चाहती हूँ आप अच्छे से समझ जाए तो अभी हमने बात करी की फूड क्या है एक अनकंडीशन अनकंडीशन क्यों है क्योंकि उसकी कंडीशनिंग नहीं की जा सकती स्ट्यूमुलस और स्ट्यूमुलस इसलिए है क्योंकि इसी फूड को देख के सेलिवेशन हो रहा है इसी फूड को देख के रिस्पॉन्स निकल रहा है और रिस्पॉन्स क्या है सेलिवेशन का प्रोसेस तो दैट इज वाई सेलिवेशन विच फॉलोज इट एंड इज एन अनकंडीशन रिस्पॉन्स अब बात करते हैं कि ये अनकंडीशन क्यों है रेस्पॉन्स तो यह है समझ रहे हैं आप कि फूड को देख के सेलिवेशन हुआ तो वो रिस्पॉन्स है लेकिन अनकंडीशन क्यों है क्योंकि ये सेलिवेशन नेचुरली हो रहा है हम सेलिवेशन होने के लिए उसको फोर्स नहीं कर रहे हैं मैंने अभी बोला कि आप किसी भी डॉग के सामने फूड लेकर जाइए वो सेलिवेशन करता है तो हम हम सेलिव्रेशन करने के लिए उसको फोर्स तैयार नहीं कर रहे हैं उसके अंदर हमने कोई प्रोसेस डेवलप नहीं किया है अब आगे समझिएगा आफ्टर कंडीशनिंग सेलिवेशन स्टार्टेड टू अकर इन द प्रेजेंस ऑफ द साउंड ऑफ द बेल जब अब जो सेलिवेशन का प्रोसेस हो रहा था कब हुआ द प्रेजेंस ऑफ द साउंड ऑफ द बेल द बेल बिकम्स अ कंडीशनड स्ट्यूमलस बेल कंडीशन स्ट्यूमलेस क्यों है आपको यह लगेगा कि बेल को तो हम ट्रेन नहीं कर सकते फिर बेल कैसे कंडीशन हो गई क्योंकि बेल यहाँ पे वो सिचुएशन क्रिएट कर रही है देखिए बेल के हटने के बाद वो जो डॉग है वो इतना अच्छे से कंडीशन हो गया है कि वो सेलिवेशन का फिर भी प्रोसेस कर रहा है तो बेल यहाँ पर कंडीशन स्ट्यूमलेस है क्योंकि ये बेल ही पूरे फेज में एक चेंज ला रही है इसीलिए इसको हम कंडीशन कह रहे हैं फूड डायरेक्टली कोई चेंज नहीं ला रहा था फूड तो वो पहले भी खा रहा था बाद में भी खा रहा था लेकिन बेल का इफेक्ट यहाँ पर है तो ये समझिएगा कि बेल क्यों है कंडीशन स्टिमुलस एंड सलाइवा सेक्रेशन इज अ कंडीशनड रेस्पॉन्स अभी आप सोचेंगे कि पहले ये सलीवेशन का प्रोसेस जो था वो अनकंडीशन्ड था लेकिन अब ये कंडीशनड रिस्पांस क्यों हो गया है सलीवेशन क्योंकि ये बेल के रिंग होने के बाद कंडीशनिंग क्रिएट हो गई है सलीवेशन की पहले तो वो नेचुरली कर रहा था लेकिन जो हमने बेल को रिंग कराने पर उसको लगातार सेलिब्रेशन के प्रोसेस को उसके मेंटेन करा दिया है इस वजह से अब जो सेलिब्रेशन का प्रोसेस है आफ्टर द बेल इज कॉल्ड कंडीशन कंडीशन रिस्पॉन्स लेकिन जब ये नेचुरली होगा कोई भी चीज जब नेचुरली होगी तो वो अनकंडीशन है जब आप उसको एक प्रोसेस में ले आएंगे तो वो कंडीशन है तो यही सेलिब्रेशन का प्रोसेस जो है हमने देखा कि एक बार अनकंडीशन था पर एक बार कंडीशन हो गया इंड ऑफ कंडीशनिंग इज कॉल्ड क्लासिकल कंडीशनिंग हमने ये देखा कि सेलिब्रेशन के प्रोसेस को हम एक बार शुरू से शुरू में वो कैसा था अनकंडीशन था फिर हमने उसको कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया तो यही कहलाती है क्लासिकल कंडीशनिंग दिस द प्रोसीजर इज इलिस्ट्रेटेड इन टेबल सिक्स पॉइंट वन इसके बारे में भी बात करेंगे अभी मैं आपको दिखाऊंगी इट इज ऑब्वियस दैट द लर्निंग सिचुएशन इन क्लासिकल कंडीशनिंग इज वन ऑफ एसेस लर्निंग एसेस लर्निंग का क्या मतलब है

पहला जो बेल का साउंड था आपने अभी पढ़ा कि वो एक कंडीशन स्ट्यूमुलस था तो जो साउंड ऑफ बेल था वो फूड के लिए एक सिग्नल का काम कर रहा था ओके दैट इज वाई इट इज कॉल्ड स्ट्यूमलेस स्ट्यूमलस लर्निंग हेयर वन स्ट्यूमुलस सिग्निफाइज द पॉसिबल अकरेंस ऑफ अनदर स्ट्यूमलस इसीलिए इसको हम एस एस लर्निंग कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जो एक स्ट्यूमुलस है वो दूसरे स्ट्यूमलस के लिए पॉसिबल अकरेंस uh, को क्रिएट करता है अब मैं यहाँ पे पहले आ जाती हूँ टेबल सिक्स पॉइंट वन पे जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ रिलेशनशिप ऑफ स्टेजेस ऑफ कंडीशनिंग एंड ऑपरेशन जब हम देखते हैं कि नेचर ऑफ स्ट्यूमुलस एंड नेचर ऑफ रेस्पॉन्स आप यहाँ पे देख रहे हैं बिफोर फूड जो था अनकंडीशन स्ट्यूमुलस था ये वही है जो आपने पहले अभी पैराग्राफ में पढ़ा है उसी को शॉर्ट टर्म में कर दिया है तो जहाँ पे सेलिवेशन हुआ अनकंडीशन रेस्पॉन्स था साउंड ऑफ द बेल अलर्टनेस अलर्टनेस क्रिएट हो गई साउंड ऑफ द बेल से अब जब साउंड ऑफ द बेल और फूड यानी कंडीशन स्ट्यूमुलस और अनकंडीशन स्ट्यूमुलस एक साथ आए तो अनकंडीशन रिस्पॉन्स हुआ और जब साउंड ऑफ द बेल कंडीशन स्ट्यूमुलस के साथ कंडीशन रिस्पॉन्स जेनरेट हुआ तो ये एक टेबल है जिसको आप समझ सकते हैं ये अब हम आगे लास्ट पैराग्राफ की तरफ आते हैं इस वाले टॉपिक के बिफोर वी स्टार्ट डिटर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग

इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ चाइल्डहुड वन इज नेचुरली अफ्रेड ऑफ द एनी लाउड नॉइस होता है ना बच्चे बच्चे छोटे जो होते हैं वो किसी भी तेज आवाज से डरते हैं अब सपोज एक छोटा बच्चा जो है वो एक इन्फ्लेटेड बलून को बस्ट कर लेता है अपने कान के आसपास तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो बलून को होल्ड करेगा तो क्या होगा उसके अंदर एक फियर uh, जनरेट हो जाएगा ओके okay? एक कंडीशन स्ट्यूमलेस बन जाएगा बलून उसके लिए एंड द लाउड नॉइज एज एन अनकंडीशन्ड स्ट्यूमलेस एंड अनकंडीशन स्ट्यूमलेस बन जाएगा लाउड नॉइस तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारी लाइफ में आते हैं अक्रॉस जिसके हम आते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे डिटर्मिनेट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाता है तो समझने में आप इतना फोकस नहीं कर पाए या मैं भी चाहती हूँ कि जो भी टॉपिक मैं एक्सप्लेन करूँ अच्छे से हो जाए कोई चीज रहे ना तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा पसंद भी आया होगा और uh, अगर आपको अच्छा लगे प्लीज तो प्लीज़ प्रेस वन लाइक फॉर मी ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है नेक्स्ट वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करेंगे तब तक पढ़ते रहिए एंड कीप शोइंग सपोर्ट लाइक यू ऑलवेज डू सी इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बाय बाय